हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे लिए गए हैं एग्रोनॉमी से। ओके, तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे जैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो है इसका आंसर जो है कमेंट में इसके साथ साथ जो है देते रहना है। ओके, और जिससे आपकी रिविज़न भी अच्छे से हो जाएगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम, तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया एग्रीकल्चर वर्ड? आंसर इज लैटिन वर्ड। ओके, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है एग्रीकल्चर, जिसमें दो वर्ड्स हैं एग्री और कल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन है, तो किस चीज़ की डेफिनेशन है ये? इसका आंसर रहेगा एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन है ये, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉयल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एग्रोनॉमी वर्ड ड्राइव फ्रॉम, एग्रोनॉमी वर्ड जैसे एग्रीकल्चर लिया गया है हमारा लैटिन से। ओके, तो एग्रोनॉमी वर्ड कहाँ से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से? द आंसर इज ग्रीक, ग्रीक वर्ड है ये। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एग्रोस और नॉमस दो वर्ड से मिलकर बना है एग्रोनॉमी वर्ड, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, एग्रीकल्चर है लैटिन और एग्रोनॉमी है ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। ओके, तो जो भी क्रॉप्स लगाई जाती हैं जो सप्लीमेंट करती हैं, ओके, मेन क्रॉप को सप्लीमेंट करती हैं, तो उन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? दैट इज ऑगमेंट क्रॉप। ओके, ऑगमेंट क्रॉप, तो ये डेफिनेशन के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ए क्रॉप फॉर डायरेक्ट सेल रेदर देन फॉर लाइफ स्टॉक फीड और ए क्रॉप ग्रोन बाई ए फार्मर प्राइमरली फॉर सेल टू अदर रेदर देन फॉर हिज और हर ओन यूज। तो वो हम किस उस क्रॉप को हम क्या बोलेंगे जो जिसको फार्मर सिर्फ जो है मार्केट में बेचने के लिए या किसी और को बेचने के लिए ही ग्रो कर रहा है, तो ये डेफिनेशन है ये भी। तो इसका आंसर रहेगा कैश क्रॉप, कैश क्रॉप बोला जाता है। और जैसे शुगर केन है, बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन। ओके, तो शुगर केन बेस्ट एग्जांपल है हमारी कैश क्रॉप की, या इसके अलावा ग्राउंडनट भी एक एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू कैच दी फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड, तो उस क्रॉप को हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने क्रॉप ग्रो की है, ओके, सोइंग की, लेकिन वो किसी वजह से जो है क्रॉप फेलियर हो गया, किसी भी नेचुरल कैलमिटीज की वजह से हो सकता है, और हमने फिर जो है जो समय अपने पास बचा है आगे उस क्रॉप का सीज़न का, तो वहाँ पे हमने कोई दूसरी क्रॉप लगाई है, तो उस दूसरी क्रॉप को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका कैच क्रॉप और कंटिंजेंट क्रॉप। ओके, कैच क्रॉप और कंटिंजेंट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हेन बोथ मेन एंड इंटर क्रॉप इज बेनिफिटेड टू ईच अदर, तो इस उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे जब दोनों हमारी मेन क्रॉप और हमारी इंटर क्रॉप दोनों बेनिफिट हो रहा है? ओके, तो आंसर आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर एट, खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज, ओके, तो खरीफ क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स, तो शॉर्ट डे क्रॉप्स होती है, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं खरीफ, जो भी खरीफ सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। रबी क्रॉप्स आर जनरली डोनेटेड एज, तो खरीफ को हम बोलते हैं शॉर्ट डे, ओके, और रबी क्रॉप को बोलते हैं हम लॉन्ग डे प्लांट्स। ओके, तो रबी क्रॉप्स के लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स आर, तो कौन कौन से हैं इसको आप बाय नेम जो है याद कर लीजिए अच्छे से। कॉटन है, मेज है, सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, ग्राउंडनट है, टोमेटो है, तो ये जो मेजर जो है हमारी डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। ओके, डे न्यूट्रल क्रॉप्स हैं, तो इसको बाय नेम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स इज,
जो भी हमारे फील्ड क्रॉप्स हैं उसको जब हम ग्रो कर रहे हैं तो कितनी डेप्थ पे हमें उसको सोइंग करनी चाहिए उसकी, तो इसका आंसर रहेगा 3 से 5 सेंटीमीटर। तो जनरली 3 से 5 सेंटीमीटर जो है एक जनरल जो है डेप्थ है, ठीक है, बाकी कोई कोई क्रॉप की नीड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, लेकिन जनरली 3 से 5 सेंटीमीटर होता है फील्ड क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर सीरियल क्रॉप्स। तो सीरियल जो भी सीरियल क्रॉप्स हैं हमारी राइस वीट जैसे हैं, तो उसके लिए हमें जो फर्टिलाइजर है वो किस रेशियो में हम रिकमेंड करते हैं, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इसका आंसर रहेगा 4:1। तो 4:1 की रेशो में रिकमेंड किया जाता है सीरियल्स के लिए NPK। नेक्स्ट द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर पल्स क्रॉप। तो ऊपर हमने देखा सीरियल्स के लिए, और पल्सेस के लिए देखें तो पल्सेस के लिए है 1:1 और 1:2:2। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ द सॉइल, ओके, तो उसमें कितना पोटेशियम कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम 1:1 और 1:2:2 की रेशियो में जो है अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर्स फॉर पल्स क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ऑयल सीड क्रॉप्स। अभी हमें पूछा गया ऑयल सीड्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए 3:1 की रेशो में, ओके, 3 पार्ट नाइट्रोजन, 2 पार्ट फॉस्फोरस एंड 1 पार्ट ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दी रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फॉडर एंड फाइबर क्रॉप्स। तो ये जो फाइबर और फॉडर क्रॉप्स है उसके लिए कितना है, दैट इज 2:1 और 4 की रेशो में। ओके, तो अच्छे से चारों को आप यहीं पे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, पूरी एक स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ओके, ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच क्रॉप ज्योमेट्री इंश्योर्स यूनिफॉर्म सोलर रेडिएशन अवेलेबल टू दी क्रॉप्स। तो कौन सी ज्योमेट्री है क्रॉप ग्रोइंग की, ओके, जिसमें क्या है कि सोलर रेडिएशन यूनिफॉर्म मिलती है सब प्लांट्स को। ओके, तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर जो है हमारी स्क्वायर ज्योमेट्री में अगर हम लगाएंगे तो जो है हमारे प्लांट्स हैं उनको सोलर रेडिएशन एक यूनिफॉर्मली मिलेगी, सब प्लांट्स को उसके नीड के अकॉर्डिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दी मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज। तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, तो डायरेक्टली ये एक डेफिनेशन है, तो इसका आंसर आएगा टिलेज। तो टिलेज को बोलते हैं मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फादर ऑफ टिलेज। ओके, फादर ऑफ टिलेज काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, द आंसर इज जेथ्रो टुल। ओके, जेथ्रो टुल को बोला जाता है फादर ऑफ टिलेज। क्वेश्चन नंबर 20, दी टिलेज ऑपरेशन मेनली एम्स टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉयल आर कॉल्ड। तो ये मतलब टिलेज ऑपरेशन जो है हम यूज करते हैं जिसमें सॉयल को हम टर्निंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज प्राइमरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में हम थोड़ा हायर साइड में हम टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो जो हमारी सॉयल है उसको टर्न कर देते हैं अच्छे से, तो उसको प्राइमरी टिलेज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टिलेज ऑपरेशन डाइन टू क्रिएट ए गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडिंग एंड प्लांटिंग। अगर हम उसको टिलेज को लिमिटेड कर रहे हैं टू दिस सीड बेड प्रिपरेशन ओनली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी टिलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सॉयल मॉइस्चर फॉर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव प्लोइंग। ओके, सॉयल मॉइस्चर जो है वो किस रेंज में ऑप्टिमम है सॉइल के लिए, तो आंसर इज 50 से 75%। अगर हमारी सॉइल में 50 से 75% तक मॉइस्चर है तो वो हमारी जो क्रॉप्स हैं उसके लिए और प्लोइंग के लिए कन्वीनियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जॉस्टिव आफ्टर ग्रोइंग। तो वो कौन सी क्रॉप्स हैं जो फील्ड को एग्जॉस्टिव छोड़ देती हैं, पूरी तरह से उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेती हैं और जो है सॉयल से जो है न्यूट्रिएंट की थोड़ी कमी आने लगती है। तो ऑप्शन, तो आंसर इसका आएगा हमारा एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, तो एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलेंगे हम उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्रॉप्स विच आर ग्रोइंग ग्रोन टू कंजर्व सॉयल मॉइस्चर। तो उन क्रॉप्स को क्या बोलेंगे जो हमारा सॉयल मॉइस्चर कंजर्व करती हैं, तो इसका आंसर आएगा मल्च क्रॉप्स। तो मल्च क्रॉप्स होती हैं वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्लेस वेयर क्रॉप इज प्लांटेड इन अनप्रिपेयर्ड सॉइल। ओके, तो जब हम टिलेज करते हैं तो अनप्रिपेयर्ड है सॉइल, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट वहीं पे लगा दिया, तो उसको बोलेंगे हम जीरो टिलेज। ओके, तो तीन तरह की टिलेज हमने आज देखी इसमें, जीरो टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और प्राइमरी टिलेज। जीरो टिलेज में हम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, नो टिलेज है उसमें। ओके, और हमारा जो सेकेंडरी टिलेज है उसमें हम सीड बेड प्रेपरेशन तक लिमिटेड कर रहे हैं उसको, और प्राइमरी टिलेज में हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट्स यूज करके सॉइल को टर्न कर रहे हैं और अच्छे से जो है टिलेज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्रिपेयर वेल। ओके, बाय।